गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने अपने लास्ट क्लास में सेल्फ प्रैक्टिस 2A कंप्लीट करी थी, आज हम करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 2B। सेल्फ प्रैक्टिस 2B में जो टोटल क्वेश्चंस हैं, दैट इज क्वेश्चन 6, ओके, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। आज हम सारे ही क्वेश्चंस ट्राई करेंगे करने की, होप सो हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 2B इज फाइंड द ईच वैल्यू। हमें क्या करना है, इन सब का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके? तो चलिए हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, ओके? जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड ईच वैल्यू, जो हमारा फर्स्ट है, दैट इज 10 रेस्ट टू द पावर माइनस फोर, आपको दिख भी रहा होगा, ओके? तो हमें क्या करना है बच्चों, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अंडरस्टूड? 10 रेस्ट टू द पावर माइनस फोर। अब जब पावर माइनस फोर में हो, जब क्या हो, पावर माइनस फोर में हो, तो अपॉन में क्या होता है बच्चों, इसके अपॉन में जितनी वैल्यू है, यहाँ आप देख रहे होंगे इसकी जो पावर है वो है 4। कितनी है बच्चों? पावर माइनस फोर है। जब माइनस फोर होगा तो हम क्या करेंगे, उसके अपॉन में 10 की जितनी पावर है यहाँ पर, उतने हम जीरोस प्लेस कर देंगे, ओके? देयर इज अ 4, इसकी पावर कितनी है, 4, तो 1, 2, 3, 4, 4 जीरो प्लेस कर देंगे, ओके? एंड 10 से 10 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो नीचे है वैल्यू, जो हमारे पास बची 1 अपॉन में 10,000, ओके? अब हमारे पास 4 जीरो है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, नॉर्मली जब हम नीचे से ज़ीरो हटाते हैं तो ऊपर से 4 डिजिट के बाद, बैक साइड से 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। तो जैसे कि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उधर 0 राइट डाउन कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट के बाद मैंने क्या कर दिया, डेसिमल प्लेस कर दिया, ओके? तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर, ओके? ये था माइनस वाला। माइनस, जब भी पावर माइनस में होगा तो हम अपॉन में, जैसे वो केवल किसका होगा, 10 वाली पावर वाले का होगा, जब 10 की पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, अपॉन में 10 की पावर 4 है तो हम 4 जीरोस प्लेस कर देंगे, क्लियर है? जब ये पॉजिटिव होता तो हम मल्टीप्लाई में इसके साथ कर देते। अभी ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेम एज होगा, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर टू में आप देख रहे हैं, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें साइंटिफिक नोटेशन में, जैसे कि हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है वो साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हमें उस टाइप से ही क्वेश्चन नंबर टू को राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर टू की वैल्यू, ए की जो वैल्यू है 5700000, ओके? अंडरस्टूड? तो हमारे पास ये नंबर है, अब मैं इसे साइंटिफिक नोटिफिकेशन में लिखना है, तो आपको पेज नंबर 36 पर आपकी बुक के अंदर दिया हुआ भी है, हम इसको कैसे प्लेस करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे बच्चों, 5.7, ओके? हम इन दोनों डिजिट के बीच में डेसिमल प्लेस करेंगे। अब हम चेक करेंगे जहाँ हमने डेसिमल प्लेस करा है उसके बाद कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम मल्टीप्लाई में 10 रेस्ट टू द पावर 6 लगा देंगे, सिंपल। जहाँ नंबर है उन नंबर्स के बीच में हम डेसिमल प्लेस करेंगे, एंड आफ्टर द डेसिमल प्लेस, जहाँ हम डेसिमल प्लेस कर रहे हैं उसके बाद लास्ट तक जितने डिजिट्स हैं उतने 10 की पावर हम कर देंगे, ओके? जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 था, तो मैंने 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट टू द पावर 6 कर दिया, तो ये हो गया हमारा साइंटिफिक नोटेशन। ऐसा ही इसका बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, उसके अंदर डेसिमल पहले से, 0.000053, ओके? हमारे पास ये डिजिट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो बैक में नंबर है, ओके, उस बैक वाले नंबर, जो बैक में नंबर है उसके अंदर हम डेसिमल प्लेस करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.3 मल्टीप्लाई 10 रेस टू द पावर। अब आप देखिए हमने डेसिमल कहाँ प्लेस करा है,
फाइव और थ्री के बीच में यहाँ हमने प्लेस करा। अब इस डेसिमल और इस डेसिमल के बीच में कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10^-5 राइट डाउन कर देंगे। ओके बच्चों, तो जब भी क्या होगा इसमें डेसिमल होगा स्टार्टिंग में, तो जो पावर हम लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस में। क्लियर है? तो ऐसे ही जो रिमेनिंग पार्ट्स है क्वेश्चन थ्री के वो आपको सॉल्व करने हैं। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, हमने क्या करा, जो लास्ट में नंबर था लास्ट में नंबर के बीच में हमने डेसिमल प्लेस करा, मल्टीप्लाई करा 10^-5। ये -5 कहाँ से आया मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने क्या करा था, 5 और 3 के बीच में डेसिमल प्लेस करा था, तो इस डेसिमल और इस डेसिमल के बीच में जितने डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, तो उतनी पावर हम माइनस में राइट डाउन कर देंगे। ऐसे ही इसका बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट आपको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ऑन योर स्क्रीन, वो आपकी स्क्रीन पर है, उसको आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, ईच ऑफ द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें सभी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अभी हमारे पास नंबर जो है साइंटिफिक फॉर्म में है, उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। सिंपल है, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा उसका अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करके दिखाता हूँ, इसका ए पार्ट हमारे पास नंबर है 5^7 × 10^3, इट मीन्स 5, 7, इसके बाद कितने डिजिट आनी चाहिए बच्चों, 3, तो कितने 3 0 आएंगे, तो 1 तो ये हो गया 1, 2, ओके अंडरस्टूड। तो कितने इसके बाद कितने डिजिट है हमारे पास, 10^3 है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, ओके डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए। तो हमारा डेसिमल कहाँ है बच्चों, 7 के पास है, 7 से पहले है, तो 7 से पहले एक डिजिट ये हो गया और 2 डिजिट ये, 3 डिजिट होने चाहिए। इस पावर का मतलब है 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, एक डिजिट हमारे पास ऑलरेडी है, 3 डिजिट कंपनी के लिए कंप्लीट करने के लिए हम 2 जीरोस प्लेस कर देंगे। ओके, तो ऐसे करके हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसा ही सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या होगा बच्चों, सेकंड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें 9.4 × 10^-4, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था वो हमने ऐसे फॉर्म में चेंज करा था। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे बच्चों, 0 पॉइंट, क्योंकि पावर किस में, माइनस में है। क्लियर है? तो 0 पॉइंट कितने कितनी पावर है, 4 पावर है, 1, 2, 3, ओके देन 9, 4, ओके तो हमारा ये आ जाएगा आंसर। 3 0 हम इसलिए प्लेस करेंगे क्योंकि जो डेसिमल है वो यहाँ है, तो ये वाला नंबर जो 9 है ये भी काउंट होगा, 1, 2, 3, 4, 4 काउंट हो गया, देख रहे हैं यहाँ डेसिमल है, तो हमारे पास जो पावर थी वो कितनी थी, 4, तो हमारे पास ऑलरेडी एक नंबर है, तो हम इसलिए 3 डिजिट 3 0 जो है प्लेस करेंगे, 0, 0, 0, 9, 4, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट ए। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग फैक्ट इन साइंटिफिक नोटेशन, आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में राइट डाउन करना है। ओके जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसकी तरह ही है ये। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ रेड ब्लड सेल्स, इसको भी आपको साइंटिफिक नोटेशन में करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ये। सी पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, साइज ऑफ द, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। जब आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 अच्छे से सीख लिया तो आप इन सब के आंसर्स भी ईजिली दे सकते हैं। ओके तो आज का जो आपका होमवर्क है उसमें आपको कंप्लीट करना है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 2B। ओके होमवर्क करना बिल्कुल ना भूलें, होमवर्क्स जो हैं आपके वो चेक होंगे, अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम जब कंडक्ट करेंगे चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके तो होमवर्क करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।